Assalam-o-Alaikum dear students, welcome back xpacademy.com जहां पर आप step by steps AutoCAD उर्दू जुबान में सीख रहे हैं. Dear students, आज के इस lesson के अंदर मैं आपको 3D के एक और command के बारे में बताने जा रहा हूं. Basically इसको आप category कह सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास दो options होती हैं 3D के अंदर, एक होती है surface, एक होती है solid. Surface जो आपके पास होता है वो आपके पास simple एक लेयर शेप होती है, लेकिन जो सॉलिड होगा आपके पास वो मुकम्मल एक सॉलिड शेप होगी. आइए मैं आपको इन दोनों में पहले फर्क बता दूं, फिर इंशाल्लाह हम इनके ऊपर काम करने का मेथड देखेंगे. डियर स्टूडेंट्स, देखिए मेरे पास दो शेप्स हैं. यहां पे मैंने एक को सरफेस का नाम दे दिया, दूसरे को सॉलिड का नाम दे दिया. यहां पर भी आ जाए आपके पास ये सरफेस और ये सॉलिड है. बेसिकली ये दोनों अलग अलग कमांड्स हैं. देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब हम कोई चीज सरफेस बनाते हैं तो वो अंदर से खोखला होती है, यानी कि अंदर से बिल्कुल खालीपन होगा उसका. अंदर से ये बिल्कुल खाली हो गया आपके पास, ये बिल्कुल आपके पास एक कागज की नुमा शेप होती है. जबकि सॉलिड जो हमारे पास होती है एक बिल्कुल सॉलिड शेप होती है. जैसे आपके पास कंक्रीट वगैरह हो, उसके अंदर आप फिलिंग वगैरह कर दें किसी बॉक्स के अंदर कंक्रीट को, तो वो जो शेप आपके पास बन जाएगी. अब ये समझ लें, ये आपके पास अंदर कंक्रीट है और ये उसका बाहर बॉक्स है. और जैसे आपके पास कोई पिलर का बॉक्सेस वगैरह जो होते हैं, पिलर जिसके थ्रू बनाए जाते हैं, वो आपके पास सिंपल आपके पास सरफेस आप उसको समझ सकते हैं, क्योंकि उसके बाहर एक आप उसको सरफेस बना देते हो, उसके अंदर आप फिलिंग करते हो, फिर आपके पास पिलर्स बनकर आ जाता है. तो जब बन जाएगा तो समझ लें ये शेप आपके पास. अब ये जो आपके पास सरफेस है, इसे आप क्लिक करें, यहां पर ये बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं. अब इन पॉइंट का फायदा क्या होता है, मैं आपको पिछले लेसन के अंदर बता चुका हूं. आप इनको क्लिक करते हो और मूव कर सकते हैं, क्लिक करके आप इनको मूव कर सकते हैं. जबकि आप सॉलिड की वाली शेप में आ जाएं, आपके पास ये पॉइंट तो है, लेकिन जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑब्जेक्ट मूव होगा. देखिए बाकी चीजें आपके पास सारी की सारी मूव हो जाएंगी, जबकि यहां पर आप जिस पॉइंट से पिक करते हो, जस्ट वही पॉइंट आपके पास आई की तरफ निकल कर आता है. जिस पॉइंट से आप अपने आप को सिलेक्शन देते हो, वही पॉइंट आपके पास आई की तरफ निकल कर आता है. तो ये भी एक पावर है, इस तरह से भी काम किया जाता है, और ये भी आपके पास है. अब ज्यादातर जो 3D के अंदर कमांड यूज की जाएगी वो आपके पास सॉलिड की यूज की जाती है. अभी तक हमने जितना भी काम किया था वो हमने सरफेस को समझने की कोशिश की थी. आप ड्रॉ के अंदर चले, आपके पास ऑप्शन आती है सर्फ की, सरफेस. नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाएं तो वो आपके पास है सॉलिड की. तो ये दो चीजें होती हैं 3D के अंदर, आपके पास सरफेस और सॉलिड. सॉलिड आपके पास 99% यूज होता है, सरफेस आपके पास 2-1% यूज होता है. सॉलिड के ऊपर आपने ज्यादा काम करना है और बहुत इजी ऑप्शन है. सरफेस एक तरह से मुश्किल ऑप्शन है, जबकि आपके पास जो सॉलिड है या आपके पास बहुत ही इजी ऑप्शन है 3D के अंदर. लेकिन मोस्टली ये यूज होगा, बाकी इसके तमाम कंसेप्ट वही हैं. देखें आप, अच्छा यहां पर आ जाएं, आपके इधर ज्योमेट्री देखें, इन दोनों की ज्योमेट्री में बहुत डिफरेंस है. आपके पास यहां पर बहुत सारी लाइने हैं, जबकि यहां पर इतनी लाइने नहीं है. तो इस फाइल का साइज ज्यादा होगा, इसका कम होगा फाइल का साइज. तो और इस तरह की छोटी बहुत चीजें हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट्स हम प्रैक्टिकल में देखेंगे. बस इस लेसन में मेरा बताने का मकसद ये था, आपके पास सरफेस क्या होता है और आपके पास सॉलिड क्या होता है. तो आप इस चीज को समझ गए हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं. मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं. एंड में एक टेस्ट लेने के बाद xpacademy.com की तरफ से आपको सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिए TCS आपके बताए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है. इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप AutoCAD का कंप्लीट कोर्स हासिल करना चाहते हैं, या वो सीरीज जो हमने आपके लिए रेडीज की है, जिसके अंदर मैप कलेक्शन है, सेक्शन एलिवेशन आपके पास है, इंटीरियर डिजाइन वगैरह पड़े हुए हैं, सिंबल्स वगैरह पड़े हुए हैं, तमाम चीजें आपके पास ये AutoCAD फॉर्मेट में है. इन दोनों सीरीज में से जो भी आप सीरीज हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. कॉन्टैक्ट के लिए हमारा ईमेल है xpacademy@ymail.com, या हमारे स्काइप पे आप रब्ता कर सकते हैं. हमारा स्काइप की आईडी है xpacademy, या हमें किसी भी वक्त हमारी हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं 03439077901777 पे. तो डियर स्टूडेंट्स, अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. आपसे इजाजत चाहता हूँ, अस्सलामु अलैकुम.